नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज 30 जून है। आज के दिन इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने एस्ट्रॉइड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं 30 जून की तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि ये तुंगुस्का घटना की सालगिरह का प्रतीक है, जब रूस के साइबेरिया में पॉट केमेनिया तुंगुस्का नदी के किनारे घने वन क्षेत्र में 30 जून 1908 की सुबह अंतरिक्ष से जलता हुआ उल्कापिंड गिरा था। उल्कापिंड गिरने की वजह से 2150 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 80 मिलियन पेड़ नष्ट हो गए थे। वहीं तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक उसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इसके अलावा अब तक इसे लेकर किसी को जानकारी नहीं है कि आखिर ये घटना हुई कैसे थी। आज भी इसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस दिन का महत्व ये है कि लोगों के बीच एस्ट्रॉइड को लेकर जागरूकता बढ़ाएं, इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को जागरूक करें, युवा पीढ़ी को इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए इस दिन का बड़ा महत्व है। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं, जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कई लोग एस्ट्रॉइड को ही उल्का पिंड भी कहते हैं, लेकिन जब कोई एस्ट्रॉइड सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वहीं जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने से पहले ही सौर ऊर्जा में जल जाते हैं उन्हें उल्का पात्र कहा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हालांकि भारत में एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टकराने की घटनाएं काफी कम हैं। पहले एस्ट्रॉइड की खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने की थी। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से अब तक खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।